ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਫੈਕਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਗਰੀ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸੀਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? हाँ, अज साढ़े ध्यान च भी आया है कि कई सारे लोगों वालों एक कंप्लेंट साढ़े को भेजी गई है कि कई सारी थावां ते इंडस्ट्रियलिस्ट ने या कुछ शॉपकीपर्स वगैरह ने अपनी जी लेबर हैगी उन्होंने पेमेंट नहीं की है। तो यह बहुत ही सीरियस इशू हैगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वालों भी इस चीज़ को बिल्कुल क्लीयर किया होया है कि कोई भी बंदा जिथे भी वो काम करता है उसनों उसकी बनती जो उसकी बन पे बनती है वो 100% पेमेंट करनी है और इसमें यकीनी बनाया जाना है। जो कोई भी बंदा इस तरह का नहीं करेगा तो उसके खिलाफ़ कार्रवाई की जा सकती है। असं थोड़ी देर पहला ही हुक्म जोड़े हैं वो जारी किए हैं। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर GMDIC ते डिप्टी डायरेक्टर फैक्ट्री में असं अधिकारित किया है कि वह इस तरह की शिकायत जी है उन्होंने चैक करेंगे, विजिट करेंगे और इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई भी दुकानदार या शॉपकीपर जो पाया जाता है कि वह अपनी लेबर में पेमेंट नहीं कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की। सर कुछ हटा भी रहे हैं लेबर नू जा फैक्ट्रियां जो कट दिते ने कह रहे उन्होंने बिना कोई नोटिस दिते इत्थे भी सर कोई इसमें बाकायदा लेबर लॉ जड़े हैं वो बिल्कुल क्लीयर ने कि जे कोई बंदा किसी भी लेबर नू बिना किसी प्रोसेस दे ड्यू प्रोसेस फॉलो करे हुए अगर हटाउंदा है या रिमूव करता है तो उसके खिलाफ बाकायदा लेबर लॉज लेबर कोड्स के मुताबिक कार्रवाई की जा सकती है। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.